29 दिन की सरकार बची है, 230 घंटे की सरकार बची है। जो आपने रोजगार की बात की है, उसके लिए पहले ही हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उदा कह चुके हैं, अब जितनी भी भर्तियां खाली होंगी उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा। सरकार जितना भी सहयोग हो सकेगा हम सहयोग करेंगे। आपकी बार भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ काम करूंगा, काम गेला माँ बाबू का नाम करूंगा। आगे देखो कौन क्या कर रहा है। शर्मा सभी को मेरा नमस्कार। मैं महिला कांग्रेस महिला सेवा दल से रितु शर्मा, सभी को मेरा नमस्कार। हम भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ हैं और साथ रहेंगे, ये हमारी पार्टी है और जितना भी सहयोग हो सकेगा हम सहयोग करेंगे। आपकी बार भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ हमारी एक तरफा सरकार है, आपकी बार हुड्डा सरकार। मतलब आज पूरी लहर है और कोशिश ये की जा रही है कि जो दिक्कत रहता है जैसे वो दोबारा मैदान में तो भैया
हरियाणा सरकार अगर बनती है इनकी तो सरकारी नौकरी देंगे या नहीं? अभी सर बताएंगे सरकारी नौकरी मिलेगी और जो अग्निवीर योजना उसका क्या? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने रोजगार की बात की है उसके लिए पहले ही हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उदा कह चुके हैं, और जितनी भी भर्तियां खाली होंगी उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा सरकार बनते ही, और नई भर्ती भी लागू की जाएंगी। और रग्निवीर की बात है जो हमारी कांग्रेस पार्टी पहले ही फैसला कर चुकी है कि केंद्र में भी अभी कोशिश कांग्रेस की अब भी है, जो भी योजना है इसको बंद किया जाए तुरंत और सफाई भर्ती जल्द से जल्द की जाए। हमारा आदमी हरियाणा का आदमी
शरीफ है, ईमानदार है, हम ठगे जाते हैं, लेकिन जो ठगे जाता है, जो ठगे जाता है उससे हिसाब लेना भी हम जानते हैं। तो आप हिसाब अगर दोगे, आपको देना चाहिए प्रजातंत्र में 10 साल के बाद, और आप नहीं दोगे तो मैं हिसाब आपको बता देता हूँ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों, लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने आपको किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में आपको कर देंगे साफ, ये मैं हिसाब बता देता हूँ, ये हिसाब बता देता हूँ। और आपने देखा होगा, आपने देखा होगा इन्होंने 10 साल के बाद इनको भी पता चल गया कि हरियाणा में कितनी नाराजगी है, 36 बिरादरी हरियाणा की कितनी तुमसे परेशान हो चुकी है, इसीलिए इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला कि नहीं बदला, अपना उप मुख्यमंत्री बदला, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला कि नहीं बदला, लेकिन अपना अहंकार नहीं बदला, अपना अहंकार नहीं बदला, तभी कह रहे हिसाब नहीं देंगे, बदल रहे हैं अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल रहे हैं, लेकिन अपने अहंकार के रवैये को नहीं बदल रहे, इसीलिए हरियाणा की जनता सरकारी बदलने का काम करेगी, इन्हीं को बदलने का काम करेगी, हम सरकारी बदलेंगे। ये 30 दिन की ये 30 दिन की सरकार बची है, 29 दिन की सरकार बची है, और सुनो 29 दिन की सरकार बची है, 230 घंटे की सरकार बची है, इससे ज्यादा सरकार नहीं बची। और ये जब आखिरी महीने में आ गए तो घोषणा कर रहे हैं, आपने देखा होगा घोषणा कर रहे हैं, और एक एक घोषणा